नमस्कार। टीवी इंडस्ट्री का सबसे चमकता सितारा सिद्धार्थ शुक्ला भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। गुरुवार को हार्ट अटैक की वजह से 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का निधन हो गया। एक्टर के गुजर जाने के बाद से ही उनसे जुड़े किस्से, कहानियां और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो बिग बॉस 13 से जुड़ा सामने आया है, जिसमें सलमान उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे तो सिद्धार्थ और सलमान दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। ये बॉन्डिंग आपने बिग बॉस के घर में भी देखी होगी। उस वक्त तो आरोप तक लगने लगे थे कि सलमान पक्षपात करते हैं। सलमान पर सिद्धार्थ को लेकर बायस्ड होने की खबरें आती तो लोग उन्हें खूब ट्रोल करते थे। खैर, अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस दौरान का है जब सिद्धार्थ बिग बॉस के घर में बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। इस दौरान सलमान मस्ती मजाक में कहते हैं, फैंस ने तुम्हें इस खेल में सेव कर लिया है, लेकिन ऊपर वाला तुम्हें सेव नहीं करेगा। सब रोएंगे, सब कहेंगे कि जो भी बोलो, अच्छा आदमी था यार, चीखता था, चिल्लाता था, किसी के भी चेहरे पर आकर बोलने लगता था, धक्का मारता था, लेकिन दिल का अच्छा था। किसी ने बिग बॉस के अंदर शादी कर ली, किसी को बिग बॉस के अंदर प्यार हो गया, कोई बिग बॉस के अंदर निकल लिया। जब सलमान ये बातें बोल रहे थे तो सिद्धार्थ हंस रहे थे। किसे पता था कि सलमान की तरफ से कही गई ये बातें एक दिन सच साबित हो जाएंगी। आज हर कोई सिद्धार्थ को याद करते हुए यही कह रहा है कि भले ही वो गुस्सा करते थे, लेकिन उनका दिल साफ था। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह थे, लेकिन दिल में हर किसी के लिए ढेर सारा प्यार लेकर घूमते थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, कभी किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहिए, जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है तो बात सच साबित हो जाती है। नेहा कुमारी नाम की यूजर ने लिखा, जब ये मजाक हो रहा था तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिड की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी बिग बॉस में, RIP माई हीरो। एक और यूजर ने लिखा, मौत को लेकर कभी भी मजाक नहीं किया जाता, ये बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी सिड ने बुरा नहीं माना। यार सिद्धार्थ शुक्ला सर, आप कहां चले गए? खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।